नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर आए दिन बम फोड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। 2014 में भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मध्यस्थ बनाया था। इस तरह का खुलासा जो है ये भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता रह चुके हैं देवेंद्र सिंह राणा, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी जो है वो चेंज की और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जो है खुद को ज्वाइन किया। और इसके बाद आए दिन जो है इस तरह के बड़े खुलासे जो है वो किए जा रहे हैं और एक बार फिर इसी तरह का एक बड़ा खुलासा किया गया है। सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कहना है भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा का। दिल्ली में मेरी क्यादत में भेजा कि जाओ भाजपा को बनाओ कि हमारे साथ सरकार बनाए। सरकार बनाने के लिए अगर भाजपा के साथ हाथ मिलाना पड़े तो हम तैयार थे, लेकिन अगर लोगों को बन लगाना हो तो भाजपा को दूर रखो। अगर भाजपा में हमारी बातचीत कायम हो जाती चुपचाप, मैं क्या था मुझे मिलना था मेरी पार्टी ने। मैं मुंह बंद रखता हूं क्योंकि 20-22 साल मैंने गुजारा किया है इनके साथ और गुजर अच्छी तरह से रहा हूं, इज्जत से रहा हूं। उन्होंने भी मान किया, मैंने भी मान किया, लेकिन जब जम्मू की बात आए तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ना किया जाएगा। झूठ की सियासत नहीं चलेगी। तो बिल्कुल आप लोगों ने सुना कि किस तरह से आरोपों का सिलसिला वो जो है यहाँ पर शुरू हुआ है और इसके बाद क्या कुछ कहा जा रहा है जो है भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से, इसी मुद्दे पर तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल ज्वाइन कर चुके हैं तो उनसे तमाम जानकारी लेंगे। तो तजम्मुल, जिस तरह से भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से कुछ आरोप जो है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है जैसे ही पार्टी से जो है दूर हुए हैं वो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की है, उसके बाद बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए चेतना, पहले आपको समझना होगा कि देवेंद्र सिंह राणा वजीर आला जब उमर अब्दुल्ला हुआ करते थे तो उनके मुशीर होते थे, एडवाइजर होते थे, प्रोविंस के सदर हुआ करते थे और करीबन करीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के करीब तरीन साथियों में शुमार किए जाते थे। जो भी पॉलिसी बनी थी, अगर आपको 2008 के विधानसभा इंतखाबात की बात करें तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए भी देवेंद्र सिंह राणा ने बड़ा अहम और पॉजिटिव रोल अदा किया। 2014 में देवेंद्र सिंह राणा कहते हैं, क्योंकि ये बातें पहले भी आई हैं और कई बार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी को जम्मू कश्मीर लाया, सिविल सेक्टर तक पहुंचाया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े कॉन्फिडेंट एड उमर अब्दुल्ला के करीबी देवेंद्र सिंह राणा ने डोडा में जनसभा के दौरान बड़ा जबरदस्त बॉम्बशॉल गिराया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में 2014 के इंतखाबात विधानसभा के होने के बाद, क्योंकि उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कश्मीर प्रोविंस से और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू प्रोविंस से वाजिया मैंडेट मिला था, उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा कहते हैं कि उन्हें पार्टी की आला क्यादत ने नई दिल्ली भेजा था ताकि पीडीपी को साइडलाइन करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी करे। एक बड़ा बयान है देवेंद्र सिंह राणा का, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर और कदावर रहनुमाओं में शुमार किए जाते थे। अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होने के बाद देवेंद्र सिंह राणा का पहला बड़ा बॉम्बशेल है और इस शेल में वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वार करते हैं और कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टियां जो कई और पार्टियों पर इल्जाम आयद करते हैं कि आपने बीजेपी को जम्मू कश्मीर लाया। अरे भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिश की थी कि बीजेपी के साथ मिलकर 2014 के विधानसभा नतीजे आने के बाद, इलेक्शन के नतीजे आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिश की थी देवेंद्र सिंह राणा को नई दिल्ली भेजकर और उनके साथ पैचअप करने के लिए। यह देवेंद्र सिंह राणा का बड़ा बयान है। हालांकि कुछ देर पहले मैंने इस मामले के हवाले से तर्जमान आला तरमीर सादिक, इमरान नबी डार जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान है और कई सीनियर लीडरान से उनकी राय देनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होने के बाद एक लीडर क्या कुछ कहता है उस पे वो कोई राय नहीं रखना चाहते हैं। आपको चेतना याद होगा
कि अभी कुछ देर बाद इसका रिएक्शन इमरान नबी डार का हमारे पास आया, चाहता है जो कि तर्जमान है स्टेट लेवल के, उन्होंने दबे होंठों से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में अपनी राय रखी। लेकिन एक बात में जो इबहाम और एक कबाहत और एक कंफ्यूजन जो था कि एक हुकूमत साजी के दौरान हर कोई पार्टी कोशिश करती है कि राज्य में सरकार बनाने के लिए मरकज के साथ जिन पार्टी लीडरान को, जिस पार्टी को मैंडेट मिला होगा उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाए, इसमें अभी तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीमा फिरदौस और कई एक लीडरान ने जो जनसभाओं में तकरीर के दौरान कहा कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को अपने साथ साझेदार लाकर बनाया, अब बात क्लियर हो गई। देवेंद्र राणा ये उनके ही लीडर हैं जो कि मजबूत तरी लीडरों में शुमार किए जाते थे उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के करीब रहकर, और उन्होंने खुद कहा कि पहली प्रेफरेंस और पहली प्रायोरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश थी कि वो जाके बीजेपी के साथ 2014 के इंतखाबी नतीजे आने के बाद हुकूमत साजी बनाए। यानी यहाँ पर अब बात साफ हो गई कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगे थे उसके बाद जो पीडीपी की तरफ से या दीगर पार्टियों की तरफ से एनसी ने भी कोशिश की थी, अब जो एनसी के लीडर जनसभा में जाते थे, क्योंकि अभी इन्हें पीएचईडी का कुछ आपस में मामला चल रहा है लिहाजा ज्यादा लबकुशाई नहीं करते हैं, लेकिन एक बात क्लियर हो गई जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस समेत साउथ कश्मीर के कई लीडरों ने कहा कि पीडीपी ने बीजेपी को जम्मू कश्मीर लाया, देवेंद्र राणा ने आज उस फैसले पर मोहर सबर कर दी, और उन्होंने मोहर सबर करने के बाद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिश की थी लेकिन नंबर कम थे, लिहाजा बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत 2014 के बाद नहीं बन सकी, हत्ता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देवेंद्र राणा को सलाह मशवरा करके नई दिल्ली भेजा था ताकि हुकूमत साजी के लिए एक पुल तैयार किया जा सके। बिल्कुल तजम्मुल, लेकिन जिस तरह से ये बयान सामने आया है देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से, यहाँ पर ये जो है साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से अपना चुके हैं देवेंद्र सिंह राणा, और जहां पर सालों जो है उन्होंने अपने जो है एक तरह से समय उस पार्टी में व्यतीत किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो उससे पूरी तरह से वो बाहर निकल चुके हैं, और आने वाली जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में उसमें पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जो है इस मैदान में जो है सामने लाया जा सके और किस तरह से जीत हासिल की जा सके। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के से निकलने के बाद देवेंद्र राणा जब बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने उससे कबल एक मुलाकात की थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी रिहायशगाह वाकिया गुपकार श्रीनगर में, और वो कहते हैं ना किसी पार्टी को छोड़ने के वक्त अलविदा पर भी एक पार्टी हुई, और ऐसा तासुर दिया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू की लीडरशिप जो है उन्हें वहां के मसाइल है, वहां की परेशानी है, लिहाजा किसी भी कीमत पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जम्मू के मसाइल कुछ अलग थे। हालांकि उसके बाद देवेंद्र राणा ने कहा कि जम्मू फर्स्ट, उसके बाद दीगर मसाइल पर आप कोऑपरेशन करें या कोऑर्डिनेशन ना करें। लेकिन अब चूंकि देवेंद्र राणा ने जिस तरह से पत्ते खोलने शुरू किए, पर्दे सरकने अब शुरू हो चुके हैं, आइंदा कुछ दिनों में चंद और इंकशाफात मतवक्को है जिसमें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत साजी के दौरान और उसके बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कुछ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर देवेंद्र राणा के पास महफूज है, मौजूद है, आने वाले दिनों में बड़ी जनसभाओं में देवेंद्र राणा सनसनीखेज इंकशाफ करते पाएंगे। इसकी दो वजूहत है, चेतना एक ये कि खिता पीर पंचाल, पीर पंजाब में जो दूसरे इलाके हैं जिसमें मुस्लिम बैलेट है, जिसमें वो वोट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिमायत याफ्ता है, अब देवेंद्र राणा खिता पंजाब और बाकी इलाकों में चनाब में बाकी जगहों में भी, हालांकि बाकी स्टेट्स में अभी उतना ज्यादा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेहतर नहीं कर सकी, लेकिन जम्मू कश्मीर के इन दो खतों में जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की साबिक क्यादत को नेशनल कॉन्फ्रेंस की बरखिलाफी करते हुए देखेंगे तो जरूर एक तरीका हो जाएगा जो मुस्लिम वोट है, जो बाकी वोट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हिंदू मुस्लिम सिखों का दूसरा वोट जाए, उसको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी ये मामला साफ है कि आने वाले दिनों में जम्मू प्रोविंस से बड़े अहम बयान आ जाएंगे जिससे ऐसा लगे कि शायद जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जमीन जो है और ज्यादा जरखेज हो गई। हालांकि कश्मीर में और किस्म की सियासत है और मुश्किलात हैं, लेकिन जो भी होगा देवेंद्र राणा के इस बयान को नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना संजीदगी से लेती है और अवाम इस पे कितना एतबार करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल, चलिए तजम्मुल बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हर एक पार्टी जो है वो अब कोशिश कर रही है, उसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा जो है वो भी कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ खुलासे जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर देवेंद्र सिंह राणा करते हैं।
चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और जहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शंस के लिए तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारियों में जुड़ चुकी हैं। इसी बीच पंजाब में सत्तासीन होने पर चरम पर पहुंचा है अब आम आदमी पार्टी का उत्साह, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों में करीब 88 सीटें जीतने का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी। भाजपा की झोली में मात्र 2 सीटें आने की पार्टी नेता भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ सांबा में आम आदमी पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ने लगा है। इलेक्शन जो है वो आने वाली है और इसे लेकर हर एक पार्टी जो है वो अपनी अपनी तरह से कोशिशें कर रही है, अपने जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच जहां पर एक बड़ी जीत जो है आम आदमी पार्टी की पंजाब में देखने को मिली है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और एक उम्मीद जो है वो जरूर लगाई जा रही है कि अब जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की जीत जो है आम आदमी पार्टी हासिल करेगी। आप नेता मनीष सिन्हा का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो सुनते हैं। जो हमारा रफ्तार है उसी को बढ़ाते हुए हम आज जम्मू कश्मीर पे हमने काम शुरू किया है, और यहाँ एक बहुत मजबूत संगठन हमारा निर्माण हो रहा है। विभिन्न यहाँ के विधानसभाओं में अच्छा संगठन है हमारा, और यहाँ के सभी लोग जो है बहुत अच्छे हैं और संगठन निर्माण में हमारा अच्छा सहयोग दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब भी यहाँ चुनाव होगा, यहाँ की केंद्र सरकार जो कि बहरी गूंगी सरकार है, जो कि यहाँ सिर्फ आम जनता को यहाँ पे लूटी है, वो सरकार कभी भी अगर बाय द वे यहाँ चुनाव कराएगी तो आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, ये तय है। 90 के 90 पे ही लड़ा जाएगा, और कोशिश हमारी रहेगी कि कम से कम 88 सीट जीत करके हम यहाँ सरकार बनाएं। कल ही हमारे CM साहब जो विधानसभा में बोल रहे थे कि कहने को तो ये 56 इंची का सीना बोलते हैं, शायद कुर्ते के अंदर इनके 3 इंची का भी नहीं है। बात सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो जानते हैं कि हमने जब आप लोगों ने यहाँ से यहाँ के जम्मू के लोगों ने यहाँ पे 25 विधायकों को चुन करके भेजा था, उन लोगों ने क्या काम किया, ये सांभा के लोग भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर के भी लोग जानते हैं। मैं मोनिका खुजुजिया जी से कहूंगा। तो बिल्कुल बड़ी जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं मनीष सिन्हा, और इसी के साथ क्या कुछ और चीजें कही गई हैं, किस तरह से जिला सांभा में अब पार्टी जो है वो अपने जनाधार बढ़ाने में लगी हुई है, तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी का उत्साह जो है ये अलग ही तरह का दिखने को मिल रहा है, जहां पर पंजाब में हाल ही में बड़ी जीत जो है इन्होंने हासिल की है, और अब जम्मू कश्मीर में भी दावा किया जा रहा है कि 88 सीटें जो है उस पर अपना कब्जा जो है ये करने वाली, और इसी के साथ साथ हमने सुना मनीष सिन्हा का भी क्या कुछ कहना है। सांबा में भी अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ने लगा है, क्या लगता है क्या कुछ आने वाले जो चुनाव है उसमें हो सकता है? देखिए चेतना, आपको बता दें कि दिल्ली के बाद पंजाब में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब जो आम आदमी पार्टी का उत्साह है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और खासतौर पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस समय जनाधार भी लगातार पार्टी का बढ़ रहा है, और लगातार दस्तक आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में देती हुई नजर आ रही है। तमाम अगर दिल्ली के कैडर की बात करें तो वो भी यहाँ पर अब सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, और जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि कई अलग अलग पार्टियों के नेता बाकी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। यही एक वजह सामने आ रही है कि पंजाब में सत्ता जो है वो बदली है, और कहीं ना कहीं लोगों ने मन बनाया था कि आम आदमी पार्टी को सामने लाया जाए, जो कि लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बात कर रही है। लेकिन अब सवाल पार्टी के ऊपर ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो लगातार फ्री फ्री का भाषण किया जा रहा है, फ्री फ्री के दावे किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हमें भी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में फ्री फंड का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसको लेकर तमाम लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और सांबा में भी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। वहीं हमने भी मनीष सिन्हा, जो कि को ऑब्जर्वर है जम्मू प्रोविंस के, मनीष सिन्हा जो दिल्ली से यहां जम्मू में पहुंचे हुए हैं, तो जब हमने कल उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सपने ले रही है 50+ का नारा पूरा करने के, वो नारा पूरा नहीं होगा, मात्र 1 या 2 सीट पर सिमट जाएगी, ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और वहीं ये भी कह रहे हैं कि हम 90 में से 88 सीटों पर चुनाव जो वो जीत कर आएंगे, यानी 90 में से 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, ये तो क्लियर है। लेकिन दावा ये भी ठोक दिया है उन्होंने कि 88 सीटें जीतकर हम यहाँ पर आएंगे और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन ऋषि, यहाँ पर ये एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि 90 सीटों में से 88 सीटें जीतने की बात उन्होंने कही है, तो कौन सी ऐसी 2 सीटें उन्हें लगता है कि जहाँ पर वो जीत नहीं हासिल कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है उन 2 सीटों में जीत हासिल करने वाली है?
देखिए मैं थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा हास्य की तरफ भी जाना चाहूंगा कि 88 सीटों को उन्होंने दावा तो कर दिया है, अभी ना तो वो अपने पत्ते पूरी तरह से खोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि किस तरह से कैडर खड़ा करना है, किसको कौन सी भूमिका देनी है, ना तो अभी कुछ ये इस तरह का कोई खुलासा पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, ना कोई अभी सीएम का चेहरा सामने आ रहा है, और हवा में कहने वाली बातें भी कहीं ना कहीं हो सकती है। देखिए अभी जनाधार बनाना है पार्टी ने और यहां की टोपोग्राफी डेमोग्राफी को समझना है पार्टी ने, लेकिन उससे पहले ये बड़ी स्टेटमेंट देना कि हम 88 सीटें जीत कर आएंगे वो किस तरह से करना है, ये तो आम आदमी पार्टी को ही पता होगा कि किस तरह से वो ग्राउंड पर उतरेगी और लोगों के बीच में जाकर अपनी पैठ बनाएगी और किस तरह के दावे वादे उनके साथ किए जाते हैं। क्या यहां जो फ्री फंड का खाता मैं बात कर रहा हूं, क्या उसको लेकर हवाला दिया जाएगा, और इसके ऊपर भी हमने उनसे एक प्रश्न पूछा कि लगातार आपकी पार्टी के ऊपर ये सवालिया निशान है कि आप जो है मुफ्तखोरी की ओर ज्यादा बढ़ा रहे हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं आपने देखा कि भगवंत मान ने जो वहां पर ऐलान किया था कि हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, तमाम जो फ्री खाता वहां चलाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी गुहार लगा रहे हैं कि हम उनको 50,000 करोड़ का जो साल का। बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी अब बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ जो है चीजें की जाती हैं, किस तरह से जनाधार जो है और बढ़ाए जाते हैं, और जहां 88 सीटों का एक तरह से सपना देखा जा रहा है उस पर किस तरह से जो आम आदमी पार्टी जो है ये कायम होती है, ये जरूर देखना होगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, और जहां पर जम्मू कश्मीर के पर्यावरण को लेकर बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम जो है वो जोर पकड़ती नजर आ रही है। सभी जिलों में लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं। टंगमर की बात करें तो यहां पर भी कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने इस चीज की शुरुआत कर दी है और लोगों से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में योगदान देने की अपील भी कर रहे हैं। तो यानी कि जहां पर जम्मू कश्मीर में बार बार लोगों को भी ये जागरूक करने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से आपको एनवायरमेंट को जो है क्लीन रखना है, किस तरह से सहयोग देना है ताकि एक स्वच्छ पर्यावरण में आप जी सके, और इसी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की मुहिम जो है ये लगातार यहां पर भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, और इसे लेकर जगह जगह पेड़ लगाने की भी जो एक तरह से चीजें हैं वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर टंगमर की बात करते हैं तो टंगमर में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने इस चीज की शुरुआत कर दी है और लोगों को भी एक तरह से अपील की जा रही है कि लोग भी ये प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन का साथ दें कि उन्हें भी किस तरह से पर्यावरण को साफ रखना है, सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रदूषण जो है वो किस तरह से फैल रहा है और किस तरह का असर जो है वो एनवायरमेंट पर देखने को मिल रहा है, उसमें जो है एक तरह से कमी लाई जा सके। और प्रशासन की अगर बात करते हैं तो प्रशासन की तरफ से जो है कई बार इस तरह की मुहिमें चलाई जाती हैं, और इसी के साथ साथ जमीनी स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो उस पर आम जनता का भी सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और टंगमर्ग में जहां पर अब ये शुरुआत की गई है, तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता इश्फाक डार ज्वाइन किए हुए हैं, तो इश्फाक हमें बताइएगा कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर की तरफ से ये शुरुआत की गई है, लोगों को किस तरह से समझाया जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण किस तरह से किया जा सके। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से महकमा जंगलात की बात करें, अगर हम चंद्रोज पहले जो है यहाँ गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग में यहाँ पर अब बर्फ पिघलनी जो है शुरू हो गई, और कल जो है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोलेजी ने जो है यहाँ पर सहजमगाम गुलमर्ग में बाधा तो जो है पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। वही अगर हम सब्जन गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर जो है महकमा जंगलात की तरफ से एक टारगेट जो दिया गया था महकमा जंगलात को, जो है 1.5 लाख के करीब जो है इस बार जो है सहजमगाम गुलमर्ग और जो महकमा जंगलात की खाली पड़ी जमीन है वहां पर जो है शजरकारी मुहिम का आगाज करके ये पौधे लगाने हैं। तो अभी तक जो हमारे पास कल जो हमने रिपोर्ट्स कलेक्ट की शजरकारी मुहिम के बाद, तो अभी तक जो रिपोर्ट है वो ये है कि 50,000 के करीब जो पौधे हैं वो मुख्तलिफ टंगमर के जो हॉस्टल है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर से या यहाँ पर स्कूल जो कॉलेज है चेता वहां पर जो है ये शजरकारी मुहिम लगाएगी, जिसमें बेहतर जो पौधे हैं वो कानी भर के हैं और दीवदार के पौधे हैं और केल के पौधे हैं वो यहाँ पर जो है लगाए गए। और जिस तरह से कल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने यहाँ का दौरा किया सहजमगाम गुलमर्ग का, और यहाँ पर जो है स्पेशल फायर डिवीजन टंगमर्ग में बाधा तो इस मुहिम का आगाज किया, तो हम ये मानेंगे कि अब इस साल जो है बेशक शजरकारी मुहिम का आगाज तो किया गया, लेकिन अगर चंद्र साल की अगर बात करें, चंद साल पहले जो डिफॉरेस्टेशन होती थी बालाई इलाकों में उसको कम करने के लिए यह मुहिम जो है अब चलाई गई। हम अब उम्मीद करते हैं कि महकमा जंगलात की तरफ से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए, और ये जो पहले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने जो कल उठाई है इस पहल को कहीं ना कहीं अब सूदमंद साबित समझेंगे, और ये जो अब पौधे शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है
गुलमर्ग बल्कि इसके दामन में जो जंगलात की जो खाली अराजी है वहां पर भी शहद कार्य मुहिम का आगाज किया जाना चाहिए। तब जाके जो यहाँ के इलाके हैं जो पूरी सरसब्ज वादी है उसको मजीद जो है जाज़िब नजर बनाया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इस तरह के कदम उठाए जाएं। चलिए इशफाक, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये कदम उठाया गया है, और इसी के साथ साथ टंगमर्ग की अगर बात करते हैं तो वहां पर आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी तरह से ये मुहिम जो है ये चलाई गई है, और साथ ही साथ लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से वो पर्यावरण को साफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के काम वो कर सकते हैं। वहीं पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी ने प्रशासन से नहरों की साफ सफाई जल्द करवाने की मांग की है। चौधरी का कहना है कि सिंचाई विभाग की अनदेखी के कारण मौजूदा दौर में मुख्य नहरों के साथ साथ माइनर नहरें भी अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उसी नहीं कटते जी, चलो इसी नहीं कटना, वह बढ़ता बढ़ता चार साल का इन्ना बोटा रहा, उस कहना नहर सारे बंद होती जा रही, और एक पास आखते पानी बचाना है, पानी इं बचना है, सड़कों पानी की कोई कमी नहीं है, सड़कों दरिया चनाब साढ़े कोल है, कोई पानी की कमी नहीं है, जानी बुझी अस पानी की कमी पैदा करा दें इतने, क्यों जरा जिमीदार है फिर किसान है वो बोर करा दें, बोर करिए जमीन चा पानी कटा दें, किन्नी देर जमीन चा पानी कटिए, किन्नी देर अस सिंचाई करके, किन्नी देर खेती करके, वो पानी आखिर एक ना एक दिन लेवल जो डाउन होता ज्यादा, कदें तो 10-15 फुट पानी फुट हा, अज 20 फुट पर चली जाए, किन्नी 50 फुट पर चली जाए, 60 फुट पर चली जाए, इस करिए पानी अगर बचाना है तो नहरें ही बचाओ, नहर बचगन अपने आप जो सर को नेचुरल वाटर है, सर को दरिया चनाब का पानी है वो नहरें ही लगन। अगर पहले दरिया चनाब का पानी जो अब्दुलनिया तक जाता हा सारे नवशहर पूरा फीड होता था, क्या अज क्यों नहीं, इो नहर पहले ही है, इो नहर अज ने, इो रणवीर कनाल पहले ही, इो रणवीर कनाल हूं है, असं नहीं आखते कि और नवी कनाल बनाओ, रणवीर कनाल की साफ सुथरा करिए, और बाकी जिनी नहर अगर नहर के बच्चे इनक्रोचमेंट हो दी है उन्हें इनक्रोचमेंट की दूर करो, और जिम्मेदारी किसान भाइयों की पानी दो। पिछले दिनों लगातार बारिशों की मार से गेहूं की फसल दम तोड़ रही थी, लेकिन अब किसानों की मेहनत के बाद एक बार फिर इस फसल में जान आ गई है, जिससे किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। किसानों के मुताबिक बारिशों से गेहूं की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी, हालांकि अब उनकी मेहनत रंग लाई है और फसल में फिर से जान आ गई है। उन्होंने सरकार से पिछले कुछ सालों में बारिश की भेंट चढ़ी धान और गेहूं की फसलों का मुआवजा देने की भी मांग की। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा मुआवजे की घोषणा तो की गई थी, लेकिन अभी भी कई किसानों को ये लाभ नहीं मिल पाया है। इस बार जो गेहूं की फसल है वो बहुत अच्छी है, अच्छी होने के कारण किसान भी खुश हैं, और इस बार बारिश भी टाइम पे हुई है, तो जो पहले बारिश ने हमारी जो फसल थी गेहूं की या दूसरी फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, तो काफ़ी नुकसान हो गया था किसानों को। तो अभी तक कोई गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया था कि जो फसल ख़राब हुई है वो उसका मुआवजा देंगे, अभी तक हमारे गांव में भी ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, ताकि उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, ताकि उनका भी इंतज़ार ख़त्म हो। गेहूँ की फसल का बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो गेहूँ है इस समय जो गेहूँ है, गेहूँ की फसल है बहुत अच्छी है, क्योंकि पीछे जो बारिशें हुई थी उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी खुदा की मदद से या लोगों ने खादें वगैरह डाल के अपनी फसल को तैयार किया है, ऊपर वाले की कृपा से फसल बहुत अच्छी है इस बार गेहूँ की। लेकिन गवर्नमेंट ने जो पीछे हमारी धान की फसल ख़राब हुई थी या गेहूँ की फसल ख़राब हुई थी उसका अभी तक मुआवजा काफ़ी लोगों को जो है अभी तक नहीं मिला है। हमारे गांव में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको के मुआवजा नहीं मिला है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द जो है जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा जो है दिया जाए। प्रमोशन में आरक्षण बहाल न होने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के एससी एसटी और ओबीसी समुदाय ने अब नए सिरे से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में इस समुदाय द्वारा जम्मू में 28 मार्च को एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। आरक्षित वर्ग की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से सुनीता बंगोत्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एससी एसटी और ओबीसी समुदाय की इन मांगों की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसका खामियाजा खासतौर पर इन समुदायों के युवा वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। अब सरकार को जगाने के लिए इस महारैली के आयोजन का फैसला लिया गया है।
जो रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है उसको 2015 में स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 7 साल से हम एफर्ट्स कर रहे हैं, उसकी कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। तो हम मजबूर हो चुके हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे और गवर्नमेंट को प्रदर्शन करते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि इतनी जातियाँ जो हैं वो हमारे समाज के ऊपर ना करें, क्योंकि एक मेजर जो पोर्शन है 85% जो पोर्शन है वो हम लोग हैं, और हमारा मेजर जो कंट्रीब्यूशन है अपनी कंट्री को बनाने के लिए वो आप सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे जो बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप जो दिया जाता है उसके लिए भी हमें दिक्कत आ रही है, जो एसटी का स्टेटस डाइल्यूट किया जा रहा है, जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं उनको स्टेटस दिया जा रहा है उसका भी पुरजोर खंडन करते हैं हम लोग। हमारा जो वाल्मीकि समाज है उनको भी उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो दिए जाएँ, और बाकी हमारे और जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाए। तो इसके लिए हमारी रैली जो है वो 28 मार्च को होगी। क्या गुजारा हो सकता है 4-5 मेंबर की फैमिली का, और फिर 2-2 चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।